आप इस सवाल को हल्के में लेने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सवाल जापान में स्टूडेंटों से पूछा गया तो उसमें से 40% स्टूडेंट फेल हो गए इस सवाल के आंसर को बताने में सही तरीके से। और जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने जब एक पोस्ट पे लिखा देखा कि इनाम 10,000 रुपए कोई भी इस सवाल को सॉल्व कर दे सही तरीके से, तो उस पोस्ट के अंदर बहुत सारी कमेंट थी और उनमें से काफी लोगों ने सवाल का जवाब भी दिया था पर ज्यादातर गलत थे। तीन तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा जिसे देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार आंसर कौन सा आएगा। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। देखिए हम सबसे पहले मेथड से शुरू करते हैं। 6 ऐसा ही रहेगा, डिवाइड ऐसा ही रहेगा, 2 का गुणा अंदर 1 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा, प्लस ऐसा ही रहा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा, क्योंकि काफी लोगों ने ऐसा ही किया था। और जब इस सवाल पे 10,000 का इनाम रखा गया है तो इसका मतलब कि ये सवाल थोड़ा टफ भी होगा। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस 4, अब जब हमने इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 7। तो आपको ये आंसर याद रखना है कि हमने जब पहला मेथड किया है तो हमें 7 मिल गया। ठीक है, अब हम इस सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, 6 हमने ऐसा ही लिखा रहने दिया, 2 ऐसा ही लिखा रहने दिया हमने, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3। बिल्कुल इसी तरीके से एक एक स्टेप कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती हो कहां रही है करने में, आप देखते चलो। उसके बाद में 6 ऐसा ही रहा, अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 तो ऐसा ही रख रहे हैं पर इसके ब्रैकेट को खत्म कर रहे हैं और ब्रैकेट की जगह गुणा का निशान लगा रहे हैं और 3 ऐसे लिख देंगे। अब 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो फिर से 3 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई 3 ऐसा ही रहा, अब हम इसमें गुणा करेंगे 3 का 3 में तो 9 मिल जाएगा। तो अब हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तो इस सवाल का आंसर हमें मिला है 9। तो हम इसको दूसरा सॉल्यूशन मान रहे हैं तो यहां पर लिख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको तीसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इस सवाल को यहां उतार लेता हूं, 6 / 2 = 1 + 2, इसमें 40% स्टूडेंट फेल हो गए थे जापान के। तो ये सवाल बहुत ही गजब का है और फेसबुक पे वायरल भी है, वहीं से मैंने उठाया है और उस पोस्ट पे 10,000 का इनाम भी था। अब उसने 10,000 रुपए दिए या नहीं दिए वो मुझे नहीं पता। अब हम तीसरे तरीके से करना शुरू कर रहे हैं तो 6 ऐसा ही रहा, 2 ऐसा ही रहा, ये ऐसा ही लिख दिया हमने 2, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि अब 6 ऐसा ही लिखा, डिवाइड ऐसा ही लिखा और 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 3 में तो हो जाएगा 6, और जब 6 का डिवाइड 6 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो जब हमने इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर मिल गया 1 और ये हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा आंसर। अब एक ही सवाल के 3 आंसर आपके सामने दे रखे हैं, अब आपको चेक करना है कि आखिरकार गलत कौन सा है और सही कौन सा है, क्योंकि तीनों आंसर तो हो नहीं सकते। तो आप अब चेक कीजिए। चलिए हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए गूगल की मदद ले लेते हैं, क्योंकि गूगल इस समय हमारी बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। तो मैं इसी सवाल को गूगल में लिखता हूं, 6 / 2 = 1 + 2 ब्रैकेट बंद, और हम फिर चेक करते हैं कि आंसर क्या निकलता है। तो देखिए जैसे ही मैंने गूगल में इस सवाल को इनपुट किया तो हमें उत्तर मिला है 9। इसका मतलब हमारे इस सवाल का आंसर 9 आ रहा है। तो गलती क्या है, 7 और 1 गलत कैसे हो गए भाई, ये दोनों सवाल के आंसर तो गलत हो गए ना, क्योंकि 9 गूगल दिखा रहा है और हमने भी एक सवाल को सॉल्व किया तो 9 दिखा रहा है। तो आखिरकार मिस्टेक कहां है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब उस को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। क्या मतलब है, दरअसल ऐसे सवाल सिंपलीफिकेशन के होते हैं जिनको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, पहला है पेमडास, दूसरा है बोर्ड मास। पेमडास क्या है कि ये ज्यादातर ना इंटरनेशनल बाहर के देशों में यूज होता है, इंडिया में बहुत कम होता है। इंडिया में जो इस्तेमाल होता है वो होता है बोर्डो मास, आपने शुरू से पढ़ा होगा बोर्डो मास। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए इसकी फुल फॉर्म
होती है, पी से होता है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस में क्या है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक तीनों आ जाते हैं। ई में क्या है, एक्सपोनेंट यानी कि घात आ जाती है। घात का मतलब जैसे 2 की पावर 3 कुछ इस तरीके से। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये इनके रूल हैं कि भैया सबसे पहले तुम्हें पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, इसका मतलब कोष्टकों को, फिर जब कोष्टक सॉल्व हो जाए फिर एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, घातों को, और घात सॉल्व हो जाए फिर गुणा को सॉल्व करना है, फिर भाग को सॉल्व करना है, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अच्छा बोडोमास क्या कहता है, बोडोमास कहता है भैया सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, यानी कि यहां पर पेरेंथेसिस सॉल्व करवा रहा है तो यहां पर ब्रैकेट करवा रहा है, ये रूल तो मिल गया, ठीक है। फिर कह रहा ऑर्डर ऑफ, ओ की फुल फॉर्म होती है ऑर्डर ऑफ, या तो ऑर्डर लगा दो या ऑफ। ऑर्डर का मतलब ऐसी एक लाइन दी होगी और अगर हिंदी में लिखा होता तो का लिखा होता, उसे सॉल्व करो। यहां पर घात दे रहा है, यहां पर वो का या एक्सपोनेंट दे रहा है। फिर कह रहा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब आप जानते हैं कि जो भाग करते हैं। तो देखो यहां पर ना ये ऑपरेशन बदल गए, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था पेमडास में, यहां पर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम अपने उन तीनों सवालों को इनसे चेक करते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल हमारे पास ये था तो इसका आंसर हमारे पास 7 निकल कर आया है, तो इसे चेक करते हैं। तो देखो क्या कहता है कि सबसे पहले ना हमें पेरेंथेसिस या ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो इसके अंदर जो सामान दे रखा है 1+2 जो नंबर दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करना है, लेकिन हमने क्या कर दिया है गुणा, तो इसका मतलब ये तरीका तो गलत हो गया क्योंकि हमने 2 का डायरेक्ट गुणा कर दिया। लेकिन रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करो, लेकिन हमने यहां ब्रैकेट सॉल्व नहीं किए, डायरेक्ट गुणा किया, तो ये इस वजह से गलत हो गया। उसके बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले सवाल को चेक कर रहे हैं। तो ये सवाल में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, लेकिन फिर क्या है कि ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसके अंदर गुणा कर दिया, लेकिन हकीकत में ये ब्रैकेट अभी है ही, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये भी गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, ध्यान से समझो, क्योंकि 3 ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर गुणा कैसे कर देंगे हम, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट बिल्कुल गायब करना है, ये ब्रैकेट गायब होना चाहिए ब्रैकेट, पर हम गायब तो करने ही नहीं, उसके अंदर गुणा कर रहे हैं, तो एक तरीका ये हो गया गलत। अब बच रहा है ये 9 वाला, अब इसको समझते हैं इन्हीं दोनों तरीकों से। तो हम बोडोमास से समझ लेते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम क्या कर रहे हैं 1+2 को जोड़ रहे हैं, तो 3 मिला, ब्रैकेट ऐसा ही रहा, ठीक है। अब गणित का एक नियम भी है, क्या, कि अगर कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी है, जैसे ये 3 मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है और बाहर लिखा है ये 2, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को खत्म करूंगा, इस वाले ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट खत्म तो हो जाएगा, उसकी जगह लगा देंगे गुणा। ये मैथमेटिक्स का नियम है, ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रूव कर चुके हैं, हमें सिर्फ यूज करना है कि अगर आप सिंगल नंबर को ब्रैकेट को खत्म करते हो तो उसके बाहर गुणा लगाना है। और आप एक और बात मुझे बताओ कि आप 3 ऐसे लिखना पसंद करोगे या सिंपल 3, सिंपल 3 तो हम ये नहीं लिखेंगे, गुणा बाहर लगा देंगे। तो अब मैंने यहां पर यही किया है कि ये जो ब्रैकेट है इसको खत्म कर दिया है बिल्कुल, और इस ब्रैकेट को खत्म करते ही गुणा का निशान लगा देंगे। ये आपको याद रखना है कि जैसे ही ब्रैकेट खत्म होगा तुरंत गुणा का निशान लगा देंगे। अब ये रूल बन चुका है, और अब देखिए हमें करना क्या है कि ऑर्डर तो है नहीं इसमें कोई भी का या ऑफ, तो फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे रूल के हिसाब से। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही तो करेंगे ना भाग, तो 3 मिल गया हमें, गुणा ऐसा ही रहा और ये वाला 3। अब इनका गुणा कर लेंगे क्योंकि एक ही नंबर बच रहा है, तो 9। तो इस सवाल का आंसर 9 ही करेक्ट होगा, इसीलिए ये वाला सवाल थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। तो उसके लिए आपको ना बस एक ही चीज आनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आपसे अच्छे तरीके से आते हैं तो आप फिर ऐसे सवालों को बहुत ही चुटकियों में कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप मुझे उसका आंसर जरूर बताना। वो सवाल है 8/2 ब्रैकेट के अंदर 2+2, इस सवाल का क्या आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आने वाली हैं तो उन्हें देखना ना भूलें। धन्यवाद।